नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर वन डे एग्जाम क्लासेस। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी सेकेंड स्टेज का आज एग्जाम संपन्न हो गया, मतलब टायर टू का एग्जाम आज संपन्न हो चुका है। 90 मिनट आपको मिले थे 100 क्वेश्चनों के लिए। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी कोई भी और एग्जाम का लेवल बहुत ही सरल आया था। अब मैं पूरा प्रश्न पत्र आपको हल कराने जा रहा हूँ, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक, और बिल्कुल सही सही आंसर आपको बताऊँगा। अंग्रेजी के आपके 25 प्रश्न आने थे, सामान्य अध्ययन के 25 प्रश्न, गणित के 25 प्रश्न और हिंदी के 25 प्रश्न, और साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग एक भी नहीं थी इसमें। तो सभी लोगों ने पूरे प्रश्न हल करके आएंगे उम्मीद करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। उससे पहले जितने मित्र मेरे चैनल के माध्यम से अभी तक नहीं जुड़े हैं, जिनको जानकारियां नहीं मिल पाती क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा भर्ती में, वो क्या करिए, देखिए वीडियो चल रहा होगा उसके नीचे अगर आप जा करके देखेंगे लाल रंग का यहाँ का आपको सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इसको आप लोग दबा दीजिएगा तो लाल से काला हो जाएगा, और बगल में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग, सबसे पहले जो हमारा ये ए सीरीज का पेपर हम लोग खोला है हमारा, इसको हम देखते हैं। ए सीरीज का पेपर है तो इंग्लिश से शुरुआत हुई है इसकी, तो पूरे 1 से लेकर 150 तक हमने आपको 100% सही आंसर की देने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो यहां पर आपको चुनना है सही स्पेलिंग, तो ये आपकी जो बी ऑप्शन है यही आपकी सही स्पेलिंग है। और आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है आपको, इसमें पूछा गया है एमएस धोनी यहाँ पर जो अंडरलाइन की गई है क्या है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन पे आता है एमएस धोनी, तो सी ऑप्शन सही है आपका, मतलब कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, देखिए फिलिंग इन द ब्लैंक्स कहा गया है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सीमा इज ए स्मॉल गर्ल, यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, सीमा इज ए स्मॉल गर्ल, सी गोज टू स्कूल नियर हिज हाउस, तो यही आपका सही ऑप्शन है। आप देख रहे हैं वन डे एग्जाम क्लासेस को, और आपका चौथा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इन्वायरमेंट है यहाँ पर सेव शुड वी आवर, मतलब इसको क्रम से लगाना है तो इसका क्रम होगा वी शुड सेव आवर इन्वायरमेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवा नंबर के है, देयर वाज लिटिल सॉल्ट इन द जार, मतलब कि यहाँ पर आपसे पूछा गया एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव वही होता है तो जो आपका विशेषता बतलाता है, तो आपका लिटिल सही होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा छठवां, इसमें पूछा गया है कि चूज दी करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट दी सेंटेंस गिवन बिलो, प्रिया लव्स पंचतंत्र टेल्स, टेल्स मतलब होती कहानी, तो वही होता है आपका टेल्स मतलब कहानी, ये आपका सही होगा। इसके बाद हमने सातवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यहाँ पर आप देखते हैं क्रूएल, क्रूएल मतलब होता है निर्दयी, और इसका जो आपके समानार्थी शब्द पूछा गया है वो आपका इनह्यूमन है। आठवें नंबर में समटाइम्स ही, यहाँ पर आप देख सकते हैं ही मेक्स होगा क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का आपको प्रयोग करना, सिंपल प्रेजेंट टेंस साफ साफ लिखा गया है, तो प्रेजेंट टेंस कौन सा होगा, सिंपल की बात करेगा तो मेक्स ही होगा, ही के साथ मेक्स का प्रयोग होता है, मेक का प्रयोग भी नहीं होता है। नौवें क्वेश्चन की बात करते हैं, 20 एक प्यूरल संख्या है इसलिए यहाँ पर वर्ड का प्रयोग है, वर्ड्स एस रूल लगेगा क्योंकि प्यूरल है यहाँ पर। 20 बर्ड्स आर सीटिंग ऑन द ट्री, यहाँ पर आपको बर्ड भी लिखा गया है कि बर्ड से ही आपको बनाना है। दसवें क्वेश्चन की बात करते हैं, मैच दी फॉलोइंग, यहाँ पर आपको मैच करना है फॉलोइंग को, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका स्विमिंग इन दी वाटर कौन करती है, फिश करती है, क्लाइंब में चढ़ता कौन है, मंकी चढ़ता है, और ड्रंक जो एलिफेंट, इस प्रकार मिला लीजिएगा, डी ऑप्शन इसमें सही है आपका। इसकी मेरिट देखिए बहुत जाने वाली है, लगभग इसकी मेरिट मुझे लगता है कि 95 तक जाने वाली है, क्योंकि मैं आपको देख कर बता सकता हूँ पेपर, और जो लोग देख कर आए हैं पेपर वो अवश्य बता सकते हैं कि पेपर की मेरिट कितनी जाएगी। पिछले बार आपको 90 प्लस वालों को सबको बुला लिया गया था, अब आपकी इसकी मेरिट 95 जब जाएगी तभी आपकी टोटल मेरिट जुड़ करके 190 से 200 तक आपकी मेरिट बनती है इसकी। पिछले बार 194 से 95 के बीच जनरल कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, और अब की बार भी वैसा ही होने वाला है, और बहुत ही सरल पेपर हमारा जो टायर टू था ये भी बिल्कुल सिंपल पेपर आया है। आप लोग पूरे 100 क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ, आप लोग देखिए और बताइए क्या आपके इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको इसमें कठिन लग रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें पूछा गया है व्हेन रीमा वाज 5 ईयर ओल्ड सी हैड, यहाँ पर प्रयोग होगा हैड ए डॉल हाउस, उसके पास थी, जब व्हेन का प्रयोग होता है तो हम लोग पास्ट टेंस की हमेशा बात करते हैं। हीरो का विपरीत क्या होगा, हीरो को होगा विलन। देखिए पिछले अभी मैंने पेपर आपको कराया था हिंदी और जीएस का, उसमें एक पेज छूट गया था, मतलब 7-8 क्वेश्चन छूट गए थे, तो अब इस वीडियो में हम पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे 1 से लेकर 100 तक, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप लोग बताइएगा किसी प्रश्न में आपको समस्या होती है। तो यहाँ पर देखिए 13वां क्वेश्चन है, कैट्स फुर वाज एज
कैश फर वाज एज, यहाँ पर देखिए डार्क का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि जो आपके बालों की बात कर रहा है, फर वाज एज डार्क एज द नाइट। कुछ लोगों ने यहाँ पर ब्राइट का प्रयोग किया है, इसका आंसर मेरे हिसाब से डार्क होना चाहिए। अब आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है, वैसे डार्क इसका सबसे सही आंसर होना चाहिए था। आइडेंटिफाई दी करेक्ट टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। यहाँ पर आपसे पूछा गया है द रेनबो अमेज्ड हर, मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। अब फिलिंग द ब्लैंक्स का प्रयोग किया गया है, द गर्ल्स सेड हेलो टू मी, और यहाँ पर गर्ल्स की बात की गई तो सील ही लगेगा, ही का प्रयोग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 16 नंबर है, चूज द करेक्ट कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द टू वर्ड्स गिवन बिलो, मतलब दो को बनाना है आपको, दो को मिलाकर नो से नथिंग बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, आइडेंटिफाई दी आर्टिकल, आर्टिकल का आपको इसमें ढूंढना है, तो आप देख सकते हैं आर्टिकल ए होता है, एन होता है, द होता है, तो यहाँ पर आपको द मिल रहा है तो द ही आपका आर्टिकल होगा। इसके बाद 18 नंबर की बात करते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस विद द बेस्ट कंजंक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंजंक्शन का जो प्रयोग हुआ है सबसे अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं सोनम विल वॉश द कार ऑन सैटरडे आफ्टरनून, या तो सैटरडे करेगी और संडे मॉर्निंग करेगी, तो आर का सबसे अच्छा प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, जो हमारा 19वां क्वेश्चन है, विच ऑफ दी गिवन सेंटेंस यूजेस कॉमा करेक्टली, कहाँ पर जो कॉमा का प्रयोग सबसे अच्छा किया गया है। देखिए कैन नॉट के बाद एन के बाद आपका कॉमा लगता है और वाव के बाद भी आपका कॉमा लगता है, क्योंकि वाव एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, तो यही सबसे सही ऑप्शन आपका सही हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं आपसे 20 नंबर की, इसमें पूछा गया है आपसे अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन पूछा गया है, तो आई कम फ्रॉम ए स्मॉल फैमिली, मैं एक छोटे से परिवार से आता हूँ, यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग होता है, सभी को मालूम है ये क्वेश्चन का आंसर। 21 नंबर की बात करते हैं, आई एम ऑलवेज लूजिंग माई कार कीज, तो ऑलवेज का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, एज ए एडवर्ब प्रयोग किया गया है इसका, सॉरी। 22 नंबर की बात करते हैं, दैट इज सच ए वंडरफुल स्मेल, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसमें पूछा गया है आपसे रीड द गिवन सेंटेंस एंड राइट इट्स काइंड, ये किस प्रकार का है, ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर, ब्लू आपके यहाँ से पूछा गया, इसको आपको चूज करना है कि कौन सा आपका जो ए बी सी डी में सबसे पहले कौन आता है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसको चूज करना है, इसका कोई अर्थ नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ब्लू लंच आप देख सकते हैं बी पहले आता है, एल बाद में, फिर एन, फिर टी सबसे लास्ट में, तो सी ऑप्शन सही होगा। गुड बैड का अपोजिट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हैप्पी सैड का अपोजिट हो जाएगा। डॉग, डॉग एक जेंडर है, तो डॉग का क्या होगा, बीच होगा, डॉग मतलब होता है कुत्ता और बीच मतलब होता है कुतिया, तो ये आपका सी ऑप्शन। यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो जाते हैं इंग्लिश का पोर्शन, अब आता है आपका जीएस का पोर्शन। हमने आपको जीएस के पोर्शन इसके पहले भी करा चुके थे, लेकिन ये पेज आपका एक पेज छूट गया था, तो आपके एक से लेकर 100 तक हम आपको पूरे हल करा रहे हैं। भारत में स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका अमृतसर में स्थित है, ये पंजाब में पड़ता है। इसके बाद है 27 नंबर की, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। देखिए दूध से ही दही बनता है, दही से ही मक्खन बनता है, मतलब दूध का ही सब समान है, लेकिन जैम इससे अलग है। यहाँ पर पूछा गया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पैदा होने वाले पहले प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मतलब कि स्वतंत्रता 1947 को हमको मिली थी, इसके बाद नरेंद्र मोदी का ही जन्म हुआ था, और उसके पहले जितने भी हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे 1947 के पहले पैदा हुए थे। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, भारत में मुगल सराय जंक्शन का क्या नाम है। देखिए भारत का मुगल सराय जंक्शन का नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। आप लोग बताइएगा, जो लोग पेपर देकर आए हैं वो लोग बताइएगा आप कितने क्वेश्चन इसमें सही कर सकते थे। आप देख रहे हैं वनडे एग्जाम क्लासेज, और ये भी बताइएगा आप लोग कि आप लोग को कितनी मेरिट आपकी जा सकती है, पिछले बार आपकी कितनी थी। हम आपको बता चुके हैं कि लगभग आपको इसमें से 91 से लेकर के 94 नंबर तक आपको इसमें लाने पड़ेंगे। जो लोग पिछले बार अच्छा कर चुके हैं उनके लिए बात है, अगर आपका पिछला भी खराब हुआ है 90 के आसपास है, तो आपकी उम्मीदें काफ़ी कम है। आपको पास जरूर कर दिया गया, क्योंकि नंबर्स आप कैंडिडेट काफ़ी पास किए जाते हैं, और इस पेपर का लेवल भी काफ़ी कम कर दिया गया है। तो हम यही आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपके कितना स्कोर आप लोग कर रहे हैं इसमें, आप लोग जरूर बताइएगा। 30 क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिनेत्री फिल्म मैरी कॉम एमसी मैरी कॉम में भूमिका निभाई थी। प्रियंका चोपड़ा इसका सही ऑप्शन है। इसके बाद 31 नंबर में है, 2018 में किस भारतीय नेता स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में श्रद्धांजलि दी गई है। वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनके नाम पर आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है। ये स्टैचू ऑफ जो आपका लिबर्टी थी उसी प्रकार का बना हुआ है। 32 नंबर की बात करते हैं, भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार मथुरा जन्म स्थान किसका है। श्री कृष्ण का है, सबको मालूम है ये तो। इसके बाद बात करते हैं 33 नंबर की, भारत में के निम्नलिखित राज्यों में से हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। हस्तिनापुर आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है।
और अब थोड़े तेजी से करते हैं क्योंकि सरल क्वेश्चन है और इसमें ज़्यादा आपको बताने लायक है नहीं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। और अगले की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश किस राज्य से घिरा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश हमारा उत्तराखंड से घिरा हुआ है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक काफ़ी दूर दूर हैं। सैमसंग, जिसके आप मोबाइल देखते हैं, आप टीवी देखते हैं, फ्रिज देखते हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान हमेशा निर्माता करती है, मतलब निर्माण करती है। और हाई कोर्ट के पेपर की सबसे बड़ी पहचान है कि एक चित्र आपसे अवश्य देता है। पिछले बार नीम की पत्ती का चित्र आया था और अब की बार संगीत वाद्यंत्र आपको पहचानना है, तो क्या है? आपका तबला है। अगला क्वेश्चन है, 38 नंबर क्रिकेट विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप कितने साल में होती है? मतलब आपका आपकी बार वर्ल्ड कप होने वाला है 2019 का, वो 4 सालों के बाद आयोजित किया जाता है। 38 नंबर का ए ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चढ़ते हैं, 39 नंबर की ओर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस समय श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, जानकारी अच्छी लग रही हो, प्रश्नों के उत्तर हम सही दे रहे हो, तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा। इससे मालूम चलता है कि हमारा प्रयास जो है आपको सॉल्व कराने का वो सार्थक जा रहा है। 40 नंबर की बात करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग होता है, इंटरनेट का प्रयोग किस में होता है? ईमेल पे भी होता है, ऑनलाइन खरीदारी में होता है, बातचीत में होता है, चैटिंग सब कुछ में होता है, इनमें से सभी आपका ऑप्शन सही है। अटल बिहारी वाजपेयी का निधन कब हुआ था? तो अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 2018 को 16 अगस्त को हुआ था, ये ऑप्शन आपका सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, साइना नेहवाल कौन से खेल से संबंधित हैं? तो साइना नेहवाल आपके बैडमिंटन से संबंधित हैं। झारखंड की राजधानी कौन सी है? तो झारखंड की राजधानी आपकी क्या है? रांची है। LIC जो आपकी बीमा कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस वाली, तो आपका L का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया, तो लाइफ इसका सही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 45 नंबर के, भारत में सारनाथ आपके कहां पर है? तो सारनाथ आपका वाराणसी में है, ये भगवान बुद्ध के लिए काफ़ी फेमस जगह है। 46 नंबर की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मतलब मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा 47 नंबर, भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो 1949 को देखिए अपना लिया गया था, 1950 में लागू कर दिया गया था पूर्ण रूप से, कुछ अनुच्छेद 1949 में भी लागू कर दिया गया लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 48 नंबर में है कि इंडोर खेल, देखिए एक होता है आउटडोर गेम्स और एक होता है इंडोर गेम्स। इंडोर वो होता है जो आप अपने अंदर खेले जा सकते हैं, आउटडोर वो होता है जो आप बाहर खेलते हैं गेम, जैसे कि आप हॉकी बाहर खेलेंगे, वॉलीबॉल बाहर खेलेंगे और फुटबॉल भी बाहर ही किसी फील्ड में जाकर के खेलेंगे। बैडमिंटन इंडोर भी है और आउटडोर भी है, ये दोनों में आता है, कहीं कहीं आपको आउटडोर लिखा मिल जाएगा, कहीं कहीं इंडोर। लेकिन अगर इन चार ऑप्शनों में बात करेंगे तो बैडमिंटन सबसे अच्छा ऑप्शन है। अगर यह क्वेश्चन डाउट में जाता है तो इसमें सबको 1 नंबर मिलने की संभावना है, तो आप लोग बताइएगा आपका सही हुआ है कि गलत हुआ है। ये 49 नंबर की, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को, मतलब बाल दिवस के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया जाता है। 50 नंबर हमारा प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? तो रणजी ट्रॉफी जो आपका क्रिकेट से संबंधित है। यहाँ तक आपके जीएस के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए चलते हैं हम लोग मैथ के क्वेश्चन और देखते हैं अब कोई क्वेश्चन हमारा छूटा तो नहीं, क्योंकि पिछला वीडियो में एक पेपर छूट गया था, मतलब एक पेज हमारा छूट गया था। अब की बार मैंने प्रयास किया कि आपको सारे के सारे उत्तर इसमें बता दिए जाएँ, तो हमने 26 से लेकर के पूरे आपको 50 तक इसमें मैं आपको जीएस के क्वेश्चन बता दिए हैं। अब चलिए मैथ के क्वेश्चनों पर बात करते हैं। बहुत ही सिंपल पेपर आया था मैथ, मुझे लगता है अगर आपने 8 तक भी पढ़ी होगी, वैसे देखिए इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है 8 और 10th पास मांगी गई है, उस हिसाब से पेपर सही था। हम लोग कहते जरूर पेपर कठिन थोड़ा बनाना चाहिए था, लेकिन जब क्वालिफिकेशन इतनी मांगी गई है तो कितना कठिन पेपर बना दिया जाएगा, ये भी आपको सोचना चाहिए। फिर भी स्टेज 2 था तो स्टेज 2 को थोड़ा से अच्छा बना सकता था, क्योंकि कंपटीशन वाले लड़के सारी वैकेंसी ले जाते हैं, 8 और 10 पास कोई भी इसमें मुझे लगता है कि पास नहीं हो पाएगा। आपका 51 नंबर की बात करते हैं, दी गई पूर्ववर्ती संख्या मतलब पहले की संख्या इसको बतानी है, तो 93 है मतलब 94 के पहले की, और x प्लस वाई बराबर 20 है तो y बराबर 5, तो y को यहाँ रख दीजिए तो एक जेड का मान आपको 15 निकल जाएगा। और दिन का कितना भाग 8 घंटा होता है? तो 8/24 कर लीजिए, ये आपका 8 * 3 = 24 हो जाएगा, ये 1/3 भाग होता है। इसके बाद बात करते हैं 50 मीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, 50 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ पर 2500 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है, तो आप लोग भुजा दी गई है, भुजा का स्क्वायर कर लीजिए, सिंपल सा सवाल है। सरलीकरण करना है, पहले कोष्टक को हल कर लीजिए, मतलब -20 आएगा, फिर नीचे आपका -6 लिखा हुआ है, इसको आप लोग काट लीजिएगा, 10/3 इसका सही ऑप्शन आ जाएगा, जो इसमें लगा हुआ बिल्कुल सही आंसर लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा पेपर इसका बनाया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं लघु आपका LCM पूछा गया, मतलब लघुत्तम समापवर्तक 20 और 18 का आपका 180 होगा, 360 में देखिए हो जाएगा, लेकिन आपका LCM जो होता है वो सबसे छोटी संख्या होती है, 180 के बाद आप दुगना भी कर लेंगे, 360 उसका भी दुगना कर लेंगे तो वो भी LCM होगा, लेकिन सबसे छोटा हमारा LCM होता है।
इसके बाद अगर बात करते हैं 57 नंबर की, x के 6 गुना मतलब 6x माइनस 8 आपका सही हो जाएगा। x के 6 गुने से 8 घटाया गया है तो क्या बनेगा 6x माइनस 8। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर में है, यदि एक वॉशिंग मशीन की लागत मूल्य 15,000 रुपये है और 17,000 में बेच दिया गया, साफ साफ दिख रहा है कि लाभ इसको 2,000 का हो रहा है। 59 नंबर में है, 0, 1, 2, 3, 4 का औसत सबको जोड़ करके बटे 6 कर दीजिए, सॉरी 5 कर दीजिए, मतलब 5 संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10, 10 बटे 5 बराबर 2, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं छायांकित भाग को दर्शाने वाले चित्र को आपके भिन्न बतानी है, देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोटल 8 खाने हैं, इसमें क्या है 3 आपको रंग दिए गए हैं तो 3/8 ये भिन्न का मान हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 61 नंबर के, 10 मीटर, देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर तो 10 मीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने का, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अवश्य आएगा, और देखते हैं आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट भी कीजिएगा अगर आपको सही सही समझ में आया हो। कोई प्रश्न में अगर डाउट होता है आप समझते हैं कि इसका आंसर ये नहीं होना चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य कहिएगा। 8 का देखिए 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, ये आपका 8 का पहाड़ा लिखा गया, 8 का मल्टीपल लिखा गया है यहाँ पर। 63 नंबर की बात करते हैं, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे नीचे का, 3 × 2 = 6, 7 × 5 = 35। जो सरल क्वेश्चन है उसको थोड़े तेजी से कर देते हैं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। 29/4 को मतलब दशमलव में परिवर्तित करना है, भाग दे दीजिए 7.25 का सही आंसर आ जाएगा। वर्ग की परिधि क्या होती है, चारों भुजाओं का योग मतलब कि 4 × भुजा, 1 भुजा की लंबाई, ये आपका सही होगा। 66 नंबर में है, यहाँ पर आपको लघुत्तम और महत्तम की पहचान करनी है। लघुत्तम मतलब होता सबसे छोटी संख्या और महत्तम मतलब होता सबसे बड़ी संख्या। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर 124 है, सबसे बड़ी संख्या 12002 है। यहाँ पर इसको देखते हैं 67 नंबर में, गुणनफल आपसे पूछा गया, इसको जोड़ लीजिएगा, समय काफ़ी था, 1.5 घंटे का था, गुणा करके देख लीजिएगा, बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 68 नंबर की बात करते हैं, इसका पूछा गया आपसे मान पूछा गया है, 3 बार मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, माइनस में आपका निशान आएगा क्योंकि विषम संख्या का हमेशा माइनस में आता है। आपका 69 नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर इन दोनों गुणनखंड कीजिए, इन दोनों का इसके बाद जोड़ दीजिए, 12600 का सही आंसर आ जाएगा। एक पंचभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होती है, तो पंचभुज हमारा 5 भुजाओं का होता है। ये मुझे लग रहा है कि कक्षा 8 या 9 का पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ। उस समय का निर्धारण कीजिए जिसमें 1560 किलोमीटर है और गति 780 है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय से लगा लीजिए, 2 इसका घंटा आंसर आ जाएगा। 12 केजी चीनी की कीमत 240 है, तो 3 केजी चीनी की कीमत, देखिए 1 केजी चीनी की कीमत निकल के आएगी 20 रुपये, 3 केजी चीनी को बेचते हैं 60 रुपये। इसके बाद हमारा 73 नंबर में है, यदि एक बॉक्स में 50 आम है और बॉक्सों की संख्या बी है, तो आपके आमों की संख्या टोटल होगी 50 बी, मल्टीप्लाई कर दीजिए साफ साफ इसमें। 74 नंबर में, यदि जूस के 6 कैनों की कीमत 210 है, तो जूस के 4 कैनों की कीमत आपसे निकालनी है, तो 140 हो जाएगी, 6 कैन में से निकाल लीजिए 1 कैन, तो आपका 4 कैनों से इसकी संख्या को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बाद में। एक ग्राफ दिया गया है 13 से लेकर 17 तक का, 75 नंबर मतलब कि है क्वेश्चन, मैथ का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें आपसे पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा गेहूं की मात्रा कौन दर्शाता है, कौन सा सन, ऊंचाई से ही पता चल रहा है और यहाँ से आप मिला लीजिएगा तो यहाँ से पता चल रहा है 2017 में सबसे ज़्यादा है। मैथ क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त, चलिए चलते हैं हिंदी क्वेश्चन में, ये आपका लास्ट सेशन है मतलब कि आपका चौथा सेशन है। अब आप लोग इसको बताइएगा, इसमें आपको कोई क्वेश्चन अगर कठिन लग रहा हो तो लोग बताइएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से आपको शुद्ध रूप चुनना है, प्रथा देखिए यही हमारा सही रूप से प्रथा लिखा गया है, इधर से भी लेते चलते हैं 75 के बाद, देखिए दोनों एक साथ हम लोग कराते हैं, इधर 76 करा देते हैं, इधर 82 करा देते हैं। दिए गए विकल्पों में से पूर्ण ग्राम चिन्ह बताना है, तो पूर्ण ग्राम इस प्रकार से होता है, तो साथ साथ कराते चलते हैं क्योंकि PDF एक ही साथ बनी हमारी। इसमें क्या है देख सकते हैं आप लोग, चोटी का पर्यायवाची, चोटी का देखिए शीश होता है, कुटिया होता है, लेकिन शीश जो होता है वो चोटी का पर्यायवाची, कुटी नहीं होता है, आपका इसमें शीश होगा। स्वार्थ की बात करते हैं, स्वार्थ का जो विलोम होगा वो होगा परमार्थ, स्वार्थ मतलब अपना स्वार्थ, परमार्थ मतलब दूसरों का स्वार्थ। अगला क्वेश्चन 78 नंबर है, उदय, उदय हमारा होता है, उदय का विलोम होता है अस्त, और अरुण मतलब होता है सूर्य। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्तनी के आधार पर शुद्ध का चयन करना है, तुम बहुत बुरे हो, बड़े का कोई अर्थ नहीं होता है, बहुत ही होता है हमारा, जो बुरे के लिए हमारे बहुत का प्रयोग करते हैं। विद्या धन आलय हमारा, जिसमें देख सकते हैं विद्या धन आलय हमारी कौन सी संधि है, इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग करके विद्या धन आलय, ये आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 80 नंबर की बात करते हैं, जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है, जयपुर एक आपका नाम है इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सप्ताह में होने वाले दिन को क्या कहते हैं, हम लोग साप्ताहिक कहते हैं,
और इसके बाद बात करते हैं 87 नंबर की बात कर लेते हैं, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ यही शुद्ध रूप से लिखा गया है। पिताजी समाचार सुन रहे हैं, इसका सही काल है वर्तमान काल क्योंकि इस समय सुन रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें से व्यंजन चुनना है आपको, व्यंजन देख लीजिए, ये तो स्वर हैं चारों, यही आपका चा और छा जो है व्यंजन है। इसके बाद 89 नंबर की बात करते हैं, राम का विद्यालय कल बंद रहेगा, रहेगा मतलब कल की बात कर रहा है, मतलब भविष्य काल की बात कर रहा है। अब आपको बताते हैं 95 नंबर, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है? यही भरा जा सकता है क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों से एक ही प्रश्न होगा, तुम्हारा क्या नाम है। अगला क्वेश्चन 90 नंबर है, वह एक आदमी, एक अच्छा आदमी है, वह कैसा आदमी है, एक अच्छा आदमी है, विशेषण मतलब विशेषता बता रहा है। अगला क्वेश्चन है, बिंदिया का आप बताना है बहुवचन, तो बिंदिया का या के ऊपर ये लग जाएगा बस, इसके बाद ये बहुवचन हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन सही है। 91 नंबर की बात करते हैं, आपसे प्रश्नवाचक वाक्य आपसे पूछा गया, प्रश्नवाचक वाक्य का निशान ही यही होता है, यहाँ से आप देख करके समझ सकते थे कि यही हो सकता है एक, और ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 97 नंबर, मेरी बहन की नाक चपटी है, मतलब नाक कैसी है, नाक की विशेषता क्या है, वो चपटी है, तो यही आपका इसमें विशेषण हो जाएगा। तो देखिए हम क्रम से नहीं करा रहे हैं, हमारे पास जैसे PDF है तो इस प्रकार से हम इधर उधर करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको क्योंकि हमारे पास जैसे प्रकार से प्रश्न है इससे आपको और इजी हो जाएगा और हमारा जो है आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। इसके बाद है अंगूठा छाप का क्या बताना है, अंगूठा छाप मतलब अनपढ़ मतलब निरक्षर होता है, और खरगोश तेज दौड़ता है, ये इसका सही क्रम होगा, दौड़ता है खरगोश तेज, ये मतलब ऐसे इधर उधर लिखा गया और खरगोश तेज दौड़ता है आपका सही ढंग से हो जाएगा। 93 नंबर की बात करते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, इसमें पूछा गया कि खेल रहे हैं तो संज्ञा बतानी है, तो बच्चे इसमें संज्ञा है। सीता नाच रही है क्रिया बतानी है, देखिए नाच रही है क्रिया है, नाचना एक मुख्य क्रिया है और रही है आपकी सहायक क्रिया है, तो इन दोनों से मिलकर ही आपकी क्रिया बनती है। 94 नंबर की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि हिंदी संख्या के अनुसार विकल्पों को चुनना है, ये आपका 56 जो लिखा होता है वो इंग्लिश में लिखा होता है और हिंदी में 56 लिखते हैं हम लोग, ये 5 इस प्रकार से बनता है और 6 इस प्रकार से, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। और इसके बाद देखिए हमारा 100वां आज का लास्ट क्वेश्चन, व्यंजन को पहचानना है, 3 आपके स्वर दिए गए हैं, यही सिर्फ आपका व्यंजन है। तो उम्मीद करते हैं, देखिए हमने टोटल आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं और हमने अपनी तरफ से प्रयास किया आपको 100% सही उत्तर की दी जाए। देखिए हमारा प्रयास अपने तरह से पूरा होता है। अब आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप लोग बताइएगा, आपको किसी प्रश्न में डाउट होता है तो आप लोग जरूर बताइएगा और चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो आपकी पल पल की अपडेट जो हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे, और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में उस कहिएगा और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, धन्यवाद। और अपने नाम नंबर ही बताइएगा, आप लोग कितने करके आए ये भी बता दीजिएगा, आप लोग कितने आप लोग करके आए हैं और पिछले बार आपके कितने नंबर थे, तो इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। पहली बार मान लीजिए 91, अब की बार आपके सही हो रहे हैं 95, तो इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा तो हम जानेंगे कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है आपकी। धन्यवाद।